फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता के थालिका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय ओल्ड एंड फ्यूचर व्यूअर्स। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द न्यू रेसिपी। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट ए न्यू रेसिपी, ये इंडिया की क्या, पूरे संसार की, हर घर में, हर एक छोटे छोटे से घर में, बड़े घर में, हर घर में ये रेसिपी बनाई जाती है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये दाल के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, ये शाही पनीर के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, जैसे कि कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। ये रेसिपी ऐसी है, आप किसी के साथ भी आंख बंद करके इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं। आपके गेस्ट आ गए हैं तो आप फटाफट से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सबसे पुरानी रेसिपी और सब मेरी किस तरह से मैं इस रेसिपी को बनाती हूँ, छोटे छोटे टिप्स हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आप देखिए मैं ये कैसे बनाती हूँ। तो दिस इज अ जीरा आलू रेसिपी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा सामान नहीं चाहिए, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है ये। मैंने बॉइल्ड पोटैटो ले लिए हैं, चार छोटे पोटैटो लिए हैं और इन्हें मैंने कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इन्हें कट कर सकते हैं। और इसमें मैं यहाँ पे एक टिप दूंगी कि आप इनको इमीडिएट बॉइल करके गरम गरम कट नहीं करें। इसको आप थोड़ी देर या तो पहले बॉइल कर लें या फटाफट स्टार्टिंग में बॉइल कर लें और उसके बाद इसको कट करें, या फ्रिज में रखते हैं मेरी तरह तो आप फ्रिज में से निकाल के इसे कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास, अब इसके लिए क्या चाहिए, जीरा आलू बना रहे हैं तो सबसे पहले जीरा चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास जीरा है जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि ये जीरा आलू बना रहे हैं। और ये देखिए ये मेरे पास सीसमे सीड है, तिल, जो कि बहुत ही अच्छे जाते हैं इसमें। ये देखिए मेरे पास ये रेड चिली है, ये सॉल्ट आप एज पर टेस्ट ले सकते हैं, ये मेरे पास सौंफ और धनिया जो मैं मिक्स करके लेती हूँ वो है, और थोड़ा सा मेरे पास भुना जीरा है जो मैंने जीरे को रोस्ट करके क्रश करके रखा है, और ये मेरे पास सब्जी मसाला है जो मेरा खुद का बना हुआ है। तो और ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप वो ऑयल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अच्छे से ऑयल आपको गर्म करना है। जीरा आलू बना रहे हैं तो इसमें हम जीरा बहुत सारा डालेंगे। ये देखिए जीरा मेरा क्रैकर हो गया है खूब अच्छे से। और अब इसमें हम ये मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। ये देखिए मस्टर्ड सीड डाल दिए हैं। और अब हमें क्या करना है, ये हम इसमें, ये मैंने क्रश करके जिंजर रखा था, अदरक वो डाल दिया है। तो बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमें ये अपने जो हमने आलू काट के रखे हैं ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से ऐसे फ्राई करते हैं। यहाँ आप इसे 2-3 मिनट बहुत अच्छे से ऑयल में फ्राई कीजिए ऐसे। और यदि आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास को जल्दी में समझ भी नहीं आ रहा है, तो जितनी देर में गेस्ट एंटर होते हैं उतनी देर में आप अपने आलू बॉयल करने रख दीजिए, तक आलू ठंडे भी हो जाएंगे एक विसल लगा के। और उसके बाद आप अपना खाना बनाना स्टार्ट करिए और एंड में ऐसे फ्राई कर लीजिए। सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं जीरा आलू। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से आप ऐसे करके छोड़ दीजिए और ऐसे सौते करिए। देखिए आप सबसे पहले तो इसमें देखिए कितना अच्छा ये सौते हुए हैं। 2-3 मिनट लगे हैं इनको, ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बॉइल्ड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसमें ये देखिए ये धनिया है, ये धनिया डाल,
और ये मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर, जो कुटी हुई, फ्रेश कुटी हुई जो ब्लैक पेपर होती है उसका अलग ही फ्रेग्रेंस आता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी सी ये भी डाल दी है और इसको मैं अच्छे से फिर से सौते कर, मसाला खूब अच्छा कोट होना चाहिए। आप देखते हैं जो मार्केट में फ्राइड आलू की चाट मिलती है वो भी ऐसे ही बनती है। अब इसमें सॉल्ट आप एज पर टेस्ट डालेंगे। तो ये देखिए मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है और ये मैंने थोड़ी सी रेड चिली डाली है टेस्ट के लिए। आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कितनी खाते हैं, बच्चे तेज खाते हैं कम खाते हैं। अब इसके ऊपर खूब अच्छे से मसाला कोट करेंगे फटाफट से। ये देखिए अब देखिए इसमें मैं ये जो मैंने सब्जी मसाला लिया था ये भी डाल देती हूँ और इसमें और कोई मसाला आप डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और सारे मसाले की कोटिंग इसके ऊपर कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है जीरा आलू के ऊपर। और बस यहाँ पे मैं इसमें ये मैंने हाफ लेमन का जूस निकाल के रखा है, मैं ये लेमन जूस डाल रही हूँ। यू कैन यूज अमचूर और ये चाट मसाला इंस्टेड ऑफ लेमन, जो आपको टेस्ट अच्छा जिसका लगे आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए तो फिर एक दो मिनट और सौते कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी कोटिंग है ये जीरा आलू की और बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। आप यदि इसकी जैसे मार्केट में मिलती है दोने पे चाट भी खा सकते हैं इसकी बना के ऐसे फ्राइड आलू की। और देखिए अब इसका आलू का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये मैंने क्रश करके कसूरी मेथी। ये देखिए चलिए खूब अच्छे से मैं इसे फ्राई कर देती हूँ, सौते और एक दो मिनट। कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है, मेरे एकदम जीरा आलू एकदम रेडी है। तो चलिए ये सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छे बनके तैयार हुए, तो चलिए मैं ये सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे जीरा आलू फटाफट सी बनके तैयार हो गए हैं और मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये किसी भी कॉम्बिनेशन में दाल के साथ, शाही पनीर के साथ या किसी भी कॉम्बिनेशन में ये सब्जी झटपट से बन जाती है। या आप इसे देखिए चाट की तरह भी खा सकते हैं, आप इसे व्रत में भी बना सकते हैं। इसमें आप क्या करिए, नमक की जगह, सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक डालिए। तो फ्रेंड्स आपको यदि जीरा आलू इस तरह से पसंद आए तो बना के देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके जीरा आलू मेरी रेसिपी से कैसे बने। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।